We're dealing with the chapter number 9, that is about the plant kingdom. Plant kingdom mein, sabse pehle iske introduction given. Introduction mein ye baat batayi hui hai that different species plants hi discover hui thi. और उन स्पीशीज को हमने किस तरह से एक किंगडम में फिट किया, लाइक अबाउट द क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन से पहले एक किंगडम बनाते हुए, जैसे हम जब फंजाई डिस्कस किए तो फंजाई के कुछ कॉमन फीचर्स थे, वैसे ही जब हम प्लांट डिस्कस करेंगे तो प्लांट के कुछ कॉमन फीचर्स हैं. उन कॉमन फीचर्स में हमने जब क्लासिफिकेशन की, एंड ऑल द स्पीशीज जिसको भी हमने प्लांट किंगडम में रखा है, दे हैव अ, वी कॉल दैट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक मीन्स के जेनेटिक मेकअप जो है उनका वो सेम है, और उसके अलावा उनका डिफरेंट जिस तरह आपस में रिलेशनशिप सेम है, रिलेशनशिप किस तरह हो सकते हैं, दैट इज अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ फूड यानी के. उसके अलावा अबाउट देयर मोटिलिटी, दैट दे आर नॉन मोटाइल. फिर जो ओवरऑल कॉमन कैरेक्टर्स है हमारे पास, दैट इज अबाउट द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मल्टा सेलुलर है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है उनकी, दैट इज ब्लास्टुलर फॉर्मेशन. उसके अलावा ऑटोट्रॉफिक नेचर है, नॉन मोटाइल है, एंड सेल वॉल जो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो ये बेसिक जो है वो छह ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बिना पे हमने इन ऑर्गेनिजम्स को प्लांट किंगडम में क्लासिफाई किया. देन वी आर हैविंग द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांट. क्लासिफिकेशन में नीचे एक टेबल बना हुआ है जिसमें बेसिक दो डिविजन्स हैं, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा. ब्रायोफाइटा में हमारे पास है सब डिविजन हेपेटिकोप्सीडा, म्यूसा, ब्रायोप्सीडा और उसके अलावा एंथोसिरोप्सीडा. इनको फर्दर हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे इन द चैप्टर. उसके अलावा ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा में भी सब डिविजन है साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्विनोप्सीडा और टेरोप्सीडा. इनकी भी आगे कॉमन नेम्स गिवन है. और टेरोप्सीडा की फर्दर तीन क्लासेस हैं, फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी. ये मोस्ट मॉडिफाइड क्लासेस हैं. तो ये जो है वो एक ओवरऑल स्केच है अबाउट द क्लासिफिकेशन जो कि टेबल में यहाँ पे मौजूद है, और आप उसको वहां से देख सकते हैं. देन वी विल बी डीलिंग विद द डिविजन ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा ऐसी डिविजन है that is actually the हम कह सकते हैं they are the ancestors of all the plants. और ये कहाँ से modify, ये कहाँ से हमें मिले थे, they were actually derived from the algae. हम कह सकते हैं कि algae जो है वो इनके ancestors हैं. इसके different जो features हैं वो मैंने यहाँ पे state कर दिए. they are the first land plants. algae जो है वो water में ज़्यादा होती है, but they are living on the terrestrial environment. land plants हैं. उसके अलावा इनका origin है, origin that they have been derived from algae. उसके बाद हैबिटेट है, हैबिटेट जो है वो उसका टेरेस्ट्रियल भी है, और मेनली कन्फाइंड टू डैम्प शेडी प्लेसेस. पूरे के पूरा कंप्लीट टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट नहीं है, दे कैन बी फाउंड ऑन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस. देन नॉन मस्कुलर प्लांट्स है, दैट मींस एब्सेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. तो फिर इनमें जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है, वो एक्चुअली बाय सिंपल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस से होता है. उसके अलावा इट इज ऑल्सो हैविंग क्यूटिकल. क्यूटिकल है विच इज प्रॉपर क्यूटिकल. क्यूटिकल हैज अ वेरी थिन वन. द वॉटर इज अब्सॉर्ब बाय द जनरल सर्फेस ऑफ द प्लांट. क्यूटिकल की लेयर है दैट. उसके अलावा हमारे पास सिक्स कैटल है, नॉन फ्लावरिंग है, दे आर नॉन फ्लावरिंग इन नेचर, एंड नॉन वैस्कुलर, नॉन फ्लावरिंग भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि वैस्कुलर हमने पहले डिस्कस कर ली है, सो वी विल बी मेंशनिंग ओनली नॉन फ्लावरिंग हियर. थैलस है, थैलस मीन दैट दे आर नॉट हैविंग ट्रू लीव्स, रूट्स एंड स्टेम. सो दे आर हैविंग अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर. उसके बाद राइजोइड्स है. राइजोइड्स जो है, दीज आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच हेल्प टू एंकर द प्लांट इनटू द सॉइल. सॉइल में जो है वो एंकरिंग के लिए होता है. नाइन पॉइंट ऑफ हर्ड अबाउट द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स है. ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली किंगडम एनिमल में जो एम्फीबियंस है, देयर रिप्रोडक्शन हैपेंस इन द वॉटर. जैसे फ्रॉग वगैरह है, उनके एग और स्पर्म जो है दैट हैज बीन लेड इन द वॉटर, वहां पर रिप्रोडक्शन होती है after the fertilization. So similarly in the case of bryophytes, so fertilization process hota hai that occurs in the water, presence of water. फिर हम बात कर, इसलिए हम इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहते हैं.
Then we'll have in the 10th character, okay, सबसे ज़्यादा detail इसमें हम discuss करेंगे. That is about reproduction. Reproduction में हमारे पास दो जो है वो generations हैं, sporophytic generation और gametophytic generation. और gametophytic generations जो है वो इसमें dominant generation है. जो reproductive organs हैं, they are antheridia and archegonia. Antheridia जो है, it is actually male reproductive organ और ये जो है female reproductive organ है. Antheridia और archegonia काम वही है जो normal male और female reproductive organs का होता है. Antheridia will produce sperms and archegonia will produce egg और ovum और उनकी fertilization होगी. That will lead to the gametophytic gametophyte. Gametophyte जो है वो जो कि independent है, dominant है. उसके बाद it will to lead towards the sporophytic generation. तो this all happens the entire development of the sporophyte. Sporophyte जो है ये भी it also takes place on the gametophyte. Gametophytic body के ऊपर sporophyte जो है उसकी production होती है. And so the alternation generation जो है वो हमारे पास phenomena देखने में आता है. Alternation generation ये होता है that one यहाँ पे अगर हम लिख दें से alternation of generation. इसका मतलब ये होता है कि एक generation जो है वो दूसरी generation को कह सकते हैं कि उसको ग्रो करवाने में हेल्प करती है. दैट्स गेमेटोफाइट जो है स्पोरोफाइट को ग्रो करवाने में हेल्प करता है. सिमिलरली स्पोरोफाइट जो है इट अगेन हेल्प्स टू ग्रो फॉर गेमेटोफाइट आफ्टर द रिलीज ऑफ स्पोर्स एक्सेट्रा. उसके बाद हम इसकी डिस्कस करते हैं द लैंड अडॉप्टेशन. लैंड हैबिटेट पे अडॉप्टेशन जो है वो किस तरह से हुई है अबाउट द ब्रायोफाइट्स. इसमें जो है प्रॉपर पहला पॉइंट है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पैक्ट मल्टा सेलुलर बॉडी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दे मैनेज्ड टू हैव अ मल्टा सेलुलर बॉडी. सेकेंड पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज. दैट ऑब्वियसली दे आर हैविंग फोटोसिंथेटिक mode of nutrition. This is photosynthesis hogi and then they will be producing food for their own selves. Uske baad third hai about the special structures like rhizoids. Rhizoids maujood hai. Rhizoids kya karenge ki plant ko anchor karenge in the soil aur at the same time soil se minerals or water vagaira absorb karenge. Next hai that is the heterogamy. Heterogamy is the production of two different types of gametes. इसमें एग और स्पर्म दोनों आ जाते हैं. That will give rise to the gametophytic generation. उसके बाद गेमीट प्रोडक्शन है. गेमीट प्रोडक्शन में जो फीमेल और मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं एंथ्रीडियल और चिकोनिया उसकी वजह से जो गेमीट्स हैं दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड एग हो या स्पर्म हो. And then multicellular embryos form which is retained and protected. So you can say that embryo formation hai ya blastula formation. Next is the alternation of generation. जेनरेशन जो है उनकी ऑल्टरनेशन होती है. लाइक गेमेटोफिटिक जेनरेशन गिव राइज टू स्पोरोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जेनरेशन गिव राइज टू द गेमेटोफिटिक जेनरेशन. सो दैट्स ऑल अबाउट द ब्रायोफाइट्स.